हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर विभूति यादव आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करने की या उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं क्योंकि अगर सिस्टम क्लीन होगा तभी हम उसकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड सिस्टम है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आपको सोर थ्रोट हो रहा है या गले में दर्द है या फिर स्नीजिंग हो रही है या निमोनिया सीवियर केसेस में हो जाता है ये सारे के सारे जो डिजीजेज़ हैं ये सारे के सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीजेज़ हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है तो so, सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं दैट इज़ हाइड्रेशन हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं करीब आठ से नौ गिलास पानी जो है हमारे सिस्टम को क्लीन करने के लिए इनाफ है उसके बाद वेंटिलेशन हमारे घर का जो वेंटिलेशन है एयर सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए जो खिड़कियाँ हैं वो हमेशा क्लोज नहीं रहनी चाहिए उनको ओपन रखना चाहिए सो दैट फ्रेश एयर कैन कम द हाउस उसके साथ जो मैथ्स हैं कापेट्स हैं या आपके कर्टन हैं, उनको भी वेब्स हैं घर को क्लीन करना बहुत जरूरी है ताकि आप फ्रेश एयर इनहेल करें जो कूलर्स हैं एसीज हैं उनको क्लीन करना जरूरी है उनके जालियों को क्लीन करना जरूरी है क्योंकि उसी से होकर जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो गुजर रही है तो उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है उसके बाद है प्रणायाम अगर आप प्राणायाम करते हैं दैट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपकी जो लंग कैपेसिटी है जो वो इंक्रीज होगी क्योंकि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज़्यादा एयर इनहेल नहीं करते हैं हम लोग डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हम अंदर लेंगे उतने ज्यादा हम लोग अपने टिश्यूज को हेल्दी रखेंगे या डिटॉक्स अपने लंग्स को डिटॉक्सीफाई करेंगे तो ज़्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेना बहुत जरूरी है डीप ब्रीदिंग जरूरी है सो देर आर वेरियस टेक्निक्स फॉर इट जैसे कपाल भाती हो गया अनुलोम विलोम है भ्रामरी है उदगीत है तो ये सारे जो प्राणायाम हैं इनको प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपके एरिया का ए क्यू आई बहुत ज्यादा है दैट इज टू हंड्रेड से फाइव हंड्रेड के बीच में है तो दैट मीन्स यू आर लिविंग इन अ पॉल्यूटेड एरिया तो इसलिए आपको आ, अपने घर में आप यू कैन पुट सम इंडोर प्लांट्स विच प्रोड्यूस मोर ऑफ ऑक्सीजन जैसे कि पाम हो गया स्नेक प्लांट हो गया पोथोस हो गया पीस ले ली हो गया तो ये सारे प्लांट्स ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं तुलसी जो है वो आपके एटमोसफेयर के आसपास के जो एयर को है वो क्लीन करती है सो तुलसीज आर ऑलवेज देयर इन इंडियन होम्स तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं साथ साथ किस तरह के फूड्स आप लो so, जो कि आपके सिस्टम को आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करें तो सबसे पहले है एप्पल है पाइन हैं फ्लैक्स सीड्स ऑरिगेनो है पंपकिन है आ, और बहुत सारे जो कॉन्डिमेंट्स हैं जो कि आप अपने किचन में यूज करते हैं आप उनको लेके उनका काढ़ा बना के भी ले सकते हैं अगर इफ यू आर क्रोनिक स्मोकर और आप डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं अंदर से क्लिनिंग करना चाहते हैं तो वीकली आप टर्मरिक अनियन और गार्लिक ले लेकर उसका काढ़ा बनाकर ले ले हैं तो नेक्स्ट प्रोसीजर है जल नीति जल नेति में एक नेति पॉट आपको चाहिए होगा जो कि आपको ऑनलाइन अमेजॉन से मिल सकता है नेति पॉट में आपको लूफॉम वाटर लेना है एक पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है और इसको आपको नोजल को इंसर्ट करना है इन वन ऑफ द नोस्ट्रेल एंड द वाटर विल कम आउट फ्रॉम द अदर नोस्ट्रेल और इससे आपके जो नेजल पैसेज की क्लीनिंग हो जाएगी और ये काफ़ी डिसऑर्डर्स में हेल्पफुल है जैसे कि नेजल ऑब्सट्रक्शन आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है उसके अंदर और उसके बाद आपके जो आई साइड है उसको इंक्रीज करेगा माइग्रेन में हेल्पफुल है सो दिस कैन बी डन अंडर अ ट्रेनड प्रैक्टिशनर ऑफ ऑफ जल नेटी यू शुड लर्न दैट प्रोसीजर देन इट कैन बी डन सेफली एट होम तो आप घर पे भी इसको कर सकते हो फिर uh, एक वीक में दो से तीन बार सो इट हेल्प इन द क्लीनिंग ऑफ द नेजल कैविटी उसके बाद जो प्रोसीजर है वमना वमन जो पंचकर्मा है शोधन है ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम तो इसके लिए आपको पहले बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है सम मेडिसिन फॉर्म ऑफ डाइट इज गिवन एंड ऑल द टॉक्सिन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एक्यूमुलेटेड इन योर Uh, you know, वॉमिटिंग कराया जाता है जैसे उससे आपका जो भी टॉक्सिन्स है दे आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी तो इस तरह से उसकी क्लिनिंग होती है ट्रेनड so डॉक्टर ये आप घर पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं उसके बाद है आपका प्रोसीजर अस्या नस्या के अंदर आपको लेटा के आपके नोस्ट्रल्स में दो दो ड्रॉप्स और डिपेंडिंग ऑन दिवियरिटी ऑफ द डिजीज ये ड्रॉप्स हम बढ़ा सकते हैं तो इनको आपको अपने नोस्ट्रल uh, में डालना है स्टीम इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड मेथड फॉर रिलीविंग इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स तो स्टीम जो है वो एक स्टीमर में फ्रेश वाटर लेके करनी चाहिए उसमें दो तीन बूंदे यूकिलिप्टस ऑयल की डाल के स्टीम uh, लेनी चाहिए स्टीम uh, लेने के बाद पॉट को क्लीन करना चाहिए एंड एवरी टाइम अ क्लीन पॉट शुड बी यूज क्योंकि स्टीम लेने के बाद कुछ रेसिड्यूज पॉट में बच जाते हैं जो कि इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम व्हेन यू यूज इट सो उसके बाद जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं वो uh, जो कि यूज़ होती हैं फॉर्मुलेशन uh, के अंदर जैसे कि वासा है कंटकारी है तुलसी है ब्राह्मी है शतावरी है ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रोंग बनाती हैं और इन सब चीज़ों को आयुर्वेदिक फॉमोलेशंस में यूज़ किया जाता है सो दैट सो टू मेक योर सिस्टम और योर इम्यूनिटी बेटर एंड स्ट्रोंग और साथ में वाइटामिन सी का इंटेक भी बहुत ज़रूरी है रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रोंग बनाने के लिए सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी टू डिटॉक्सीफाई योर सिस्टम and we will meet in the next video with a new topic till then bye